बिलासपुर की प्रमुख समाज सेवी संस्था नगर सुधार समिति के पदाधिकारियों ने समिति अध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल, एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा व नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शिष्टा गौतम को कोविड 19 महामारी के चलते बिलासपुर में अपने निस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मान पत्र भेंट सम्मानित किया गया। प्रधान दिनेश कुमार ने कहा कि कोविड 19 लॉकडाउन में डीसी बिलासपुर व एसपी बिलासपुर ने बिलासपुर में उनके द्वारा चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाया नहीं जा सकता। उनके दिशा निर्देशों व कुशल नेतृत्व में ही कोरोना महामारी बिलासपुर में अधिक पैर नहीं पसार पाई है। इसका श्रेय डीसी एसपी व तमाम प्रशासनिक स्टाफ को जाता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अस्पताल में सफाई कर्मियों, मिडवाइफरी, नर्सों व बाढ़ सिस्टम व पूरे स्टाफ तथा बिलासपुर की समस्त समाजसेवी संस्थाओं व मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए उन्होंने सीएमओ बिलासपुर व नर्सिंग स्टाफ की अधिशिक्षा सिस्टर गौतम को भी सम्मान पत्र भेंट किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी अधिकारी व कर्मचारी ऐसे ही समाज के प्रति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे, उन्हें भी संस्था सम्मानित करती रहेगी। नगर सुधार समिति के स्थानीय समाज सेवी संस्था कहलूर विकास सेवा संस्थान बिलासपुर व ब्यास रक्तदाता समिति के अध्यक्षों सन्नी कुमार व करण चंदेल को भी सम्मानित पत्र भेंट किया गया। नगर सुधार समिति के सभी पदाधिकारियों ने सभी सम्मानित व्यक्तियों के भविष्य की मंगल कामना भी की है। आज हमारे नगर सुधार समिति के तमाम पदाधिकारियों ने जिलाधीश महोदय श्री राजेश्वर गोयल जी को कोविड 19 में जो महामारी फैली हुई है उसमें अच्छे काम करने के और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजेश्वर गोयल जी डीसी साहब बिलासपुर तथा एसपी दिवाकर शर्मा जी को हमने सम्मानित किया और हमने उनसे यह आशा की कि जो आगे भी जो हमारा यहाँ पर महामारी का माहौल बना हुआ है ज़्यादा नहीं फैला हुआ है आपकी वजह से, तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी ऐसा ही सहयोग जो है जनता के साथ बनाए रखें और इस महामारी को फैलने से रोकें। ये बहुत अच्छे प्रयास है और जनता भी इसमें बिल्कुल सहयोग दे रही है और मीडिया भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग दे रहा है। मैं तो सभी का थैंक्सफुल हूँ, मैं सभी को हमारी संस्था की तरफ से जो 120 पदाधिकारी हैं हमारे, हम सभी जो है अपने पत्रकार बंधुओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को जो भी है हम सम्मान पत्र देंगे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आगे भी कर रहे हैं, तो मेरी यही आशा है प्रशासनिक अधिकारियों से भी और पत्रकार बंधुओं से भी और समाज सेवियों भी कि जैसा आप लॉकडाउन में जैसा आपने सहयोग किया वैसा ही आगे भी करते रहेंगे।